अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रवायत है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी, कि कोई इंसान उसी वक्त मोमिन होगा जब जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद करने लगे। जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने भाई के लिए भी पसंद करें। अगर हम ये चाहते हैं कि अच्छी दुकान हमें मिले तो अपने भाई के लिए भी चाहें कि अच्छी दुकान उसे भी मिले। अगर हम ये चाहते हैं कि अच्छा घर हमें मिले तो अपने भाई के लिए भी सोचें कि उसको भी तो अच्छा घर मिलना चाहिए। अगर खुदगर्जी नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, खुदगर्जी नहीं पाई जाएगी, इख्तलाफ नहीं पाया जाएगा। लेकिन जहाँ खुदगर्जी होगी वहाँ लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, इख्तलाफ होगा। आज हम और आप जानते ही मुआशर समाज में ऐसे वाक़ियात होते हैं, बंटवारे के वक्त, तकसीम के वक्त ऐसी लड़ाई होती है भाइयों के दरमियान कि नतीजा कत्ल खून तक पहुँच जाता है। अगर कत्ल खून तक नहीं भी पहुँचा तो ऐसी लड़ाई हो जाती है कि बस दो चार साल, छः साल, दस साल तक बातचीत बंद। किस वजह से? इसी खुदगर्जी की बुनियाद पर। तो हमें चाहिए कि खुदगर्जी को छोड़ें, जो अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने भाइयों के लिए पसंद करें, तो यहाँ इख्तलाफ नहीं होगा।